हे गाइस, मैं हूं जीतू और फिर से आपका स्वागत है एक नए कमाल के ब्लॉग में। और आज के जर्नी ब्लॉग में मैं आपको हरिद्वार से हेमकुंड साहिब की एक बस जर्नी करवाने वाला हूं। और अगर आप प्लान कर रहे हैं हेमकुंड साहिब जी आने का, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आप किसी भी स्टेट से आ रहे होंगे तो आपको हरिद्वार आना ही पड़ेगा और हरिद्वार आने के बाद आपको डिफिकल्टी होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी जानकारी शेयर करने वाला हूँ कि बस कहाँ से मिलेगी, बसों की क्या टाइमिंग है, बस कितना किराया होने वाला है, बस कितनी देर में आपको हेमकुंड साहिब छोड़ देगी और यहाँ पहुँच के आपको किस तरह से रूम मिलना है, रहने खाने की क्या फैसिलिटी, छोटी बड़ी सारी जानकारी शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए आज मेरे साथ करिए हरिद्वार से हेमकुंड साहिब की बस जर्नी। हेमकुंड साहिब चमोली जिले के उत्तराखंड में स्थित है। ये हिमालय में 15,000 फीट की ऊंचाई पर एक बर्फीले झील के किनारे 7 पहाड़ों के बीच में स्थित है। और आपको यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश पहुँचना होगा। और हरिद्वार और ऋषिकेश मोस्टली सिटियों से वेल कनेक्टेड है, तो आप यहाँ पे बाय ट्रेन इजिली पहुँच सकते हैं। मॉर्निंग में आप ऋषिकेश या फिर हरिद्वार से आपको बसेस मिल जाती हैं, जो कि 650 से 700 रुपये करीब चार्ज लेती हैं और आपको 8 घंटे के अंदर कुंड साहिब यानी गोविंद घाट के पास उतारती हैं। और चाहे आप बाय ट्रेन आ रहे हों या फिर बाय बस, तो जस्ट सामने देख रहे हैं वो है रेलवे स्टेशन और जस्ट सामने है बस स्टैंड, तो दोनों की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है एक दूसरे से। तो आप किसी भी वे में आ रहे हो तो आप आराम से यहाँ पहुँच सकते हैं और आप आगे की बस ले सकते हैं। कि अभी आप ये देख रहे हैं ये हरिद्वार का बस डिपो है और यहाँ से भी आपको काफ़ी जगह की बसेस मिल जाती हैं। ये देखिए, जैसे कि पंजाब साइड जाने के लिए, दिल्ली साइड जाने के लिए, यूपी साइड जाने के लिए, हरियाणा साइड जाने के लिए, तो मोस्टली जगहों की बस भी यहाँ से आपको मिल जाएगी। आपको मैं नॉलेज के लिए बता दूँ कि हेमकुंड जाने के लिए दिल्ली से डायरेक्ट बस नहीं है, तो आप किसी भी सिटी से आ रहे हो तो आप हरिद्वार आना है या फिर आप ऋषिकेश भी आ सकते हैं। दोनों जगह से आपको ऑप्शन है, आपको बसेस मिल जाती हैं हेमकुंड साहिब जाने के लिए। और हेमकुंड साहिब जाने के लिए आपको जो बद्रीनाथ, हरिद्वार से बद्रीनाथ की रूट वाली जो बस है वही बस आपको उतारेगी हेमकुंड साहिब में। तो चलिए आगे आपको वीडियो बताते हैं कि बस आपको हरिद्वार में कहाँ से मिलने वाली है। स्टैंड से 50 मीटर दूर पे ही आपको ये होटल राही दिख जाएगा, जहाँ पे आपका फिजिकल रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा रश है उसके वजह से देख सकते हैं 31 मई 2024 तक जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है वो बंद कर दिए गए हैं। मतलब कि अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना भाई, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके ही आना। अभी आप ये देख रहे हैं GMOU का काउंटर है, जहाँ से आपको आगे की बसेस मिल जाती हैं, जैसे कि केदारनाथ जाने के लिए, बद्रीनाथ जाने के लिए और हेमकुंड साहिब जाने के लिए। बाकी अभी आप इनका डिस्प्ले नंबर देख रहे हैं, इनसे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और भाई आप ये लाइन से बसें देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारी बसेस हैं केदारनाथ साइड जाने के लिए, बद्रीनाथ साइड जाने के लिए, और यहीं से आपको बसेस मिलने वाली हैं। और आप ये मेरी जो पीछे बस देख रहे हैं, ये आपको हरिद्वार से 4 बजे मॉर्निंग में चलना स्टार्ट हो जाती हैं और 5:30 बजे तक चलती हैं, तो इस टाइम के बीच में ही आपको ये बस मिलने वाली हैं। तो जब भी आप हरिद्वार आएँ तो मॉर्निंग में 2:30 बजे यहाँ पहुँच जाइए, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा चल रही है, तो आपको थोड़ा जल्दी पहुँचना होगा, तब भी आपको यहाँ पर सीट मिल पाएगी। तो गाइस, हमारी जो जर्नी होने जा रही है वो इस बस में होने वाली है। देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है जोशीमठ चमोली, तो यही बस जाएगी बद्रीनाथ, तो इसी से हमारा जर्नी होने जा रहा है। और तो चलिए गाइस चलते हैं और आपको बंदर से बस का पूरा इंटरव्यू वगैरह दिखा देते हैं किस तरह की बस होने वाली है। तो ये देखिए, ये बस है, इसी बस से हम जर्नी करने जा रहे हैं आज। बाकी अंदर चलिए, अंदर से आपको पूरा बस का इंटरव्यू दिखा देता हूँ, आपको बस दिखा देता हूँ अंदर से भाई। और इस बस हमारी 2x2 की सीट होने वाली है। सो गाइस, अभी 2:40 हो रहे हैं और अभी मैं 20 से 25 मिनट पहले ही उतरा हूँ और जस्ट मुझे भारी बस मिल गई है। और जैसे कि मैंने आपको कहता था कि मॉर्निंग में 3 बजे के बाद से बस चलना स्टार्ट होती हैं, लेकिन जैसे अगर सवारी फुल हो जाती है उसके बाद ही बस चलना स्टार्ट होती है। जैसा कि भी आप दिखा रहे हैं हमारी बसें पूरी सवारी फुल हो गई है, तो इसलिए बस ये यहाँ से जल्दी निकल रही है। सो गाइस, हमारी बस निकल रही है हरिद्वार से। तो भाई, सभी हमारे
हमारी बस निकल चुकी है और हमारी बस टाइम से पहले निकली है, तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है इसमें इनपुट साइड तक पहुंचने में, और अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो शायद में भी हम एक बजे तक पहुंच जाएं। ये टिकट है भाई और हम दो बजे जा रहे हैं, तो 1220 रुपये की टिकट हमें ये पड़ी है, तो यानी कि पर पर्सन हमें 610 रुपये की टिकट पड़ी है। और अभी आप ये देख रहे हैं भाई, ये है हेमकुंड साहिब जी का गुरुद्वारा जो कि ऋषिकेश में है, और ये है भाई लक्ष्मण झूला जो कि ऋषिकेश में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो जब भी आप ऋषिकेश आएँ तो नाइट में यहाँ पे डेफिनेटली आइएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। अभी हमारी बस पहुंच चुकी है भाई देवप्रयाग, और ये वह जगह है जहां पे अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है, और आगे फिर हमारी गंगा नदी बनती है। सो गाइस, 5.5 घंटे चलने के बाद हमारी गाड़ी तो पूरे ढाबे पे, जैसा कि आप इसे देख रहे होंगे, और हरिद्वार से हमारी बस 2:40 चली थी और मॉर्निंग की स्टार्ट हमने काफ़ी जल्दी कर दी थी, तो इसी वजह से इस बार जो हमारे ढाबे का स्टॉपेज है वो अलग होगा जिसके आप देख पा रहे होंगे। तो अभी 5.5 घंटे चलने पर हमारी बस ने स्टॉपिंग किया है और अभी घड़ी में 8 बज रहे हैं, तो अभी हम अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करने वाले हैं और देखते हैं अभी हमें हेमकुंड साहिब तक पहुँचने में कितना टाइम लगने वाला है। जो भी होगा सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का पूरा यहाँ भाई व्यूज़ है, सामने वादियाँ हैं, और ये देखिए ये खड़ी हमारी बस, और सामने भाई ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप खा पी सकते हैं। और अभी तो मैं यहाँ पे अपना मॉर्निंग की टी वगैरह पीने वाला हूँ। और सो गाइस, अभी हम मॉर्निंग की टी पी रहे हैं, और जो चाय में जो बिस्किट पड़ी है और हमने पार्ले बिस्कुट है, तो अभी आज मॉर्निंग का शुरुआत हमारा चाय और पार्ले बिस्कुट से होगा। बाकी आप देख सकते हैं ये होटल है, कुछ इसका इस तरह से पूरा सेटिंग अरेंजमेंट है भाई, और काफ़ी साफ़ सुथरा, काफ़ी क्लीन में कोई होटल मिला है, काफ़ी सही है भाई। चलिए गाइस, अपना ये चाय अपना ब्रेकफास्ट में बिस्कुट और चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी वीडियो भी कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, 30 मिनट ढाबे पर रुकने के बाद हमारी गाड़ी ने फिर से अपनी यात्रा कंटिन्यू कर दी है, और हम निकल चुके फिर से अपनी जर्नी की तरफ। तो 8:50 करीब हमारी बस पहुंच चुकी है कर्णप्रयाग, और ये देखिए आप नज़ारा देख रहे हैं, ये है कर्णप्रयाग का। तो भाई अभी घड़ी में 8:50 हो रहे हैं और हमारी बस पहुंच चुकी है कर्णप्रयाग, और अभी घड़ी में 8:50 हो रहे हैं, तो बस जल्दी नहीं गई थी जिसकी वजह से हर जगह जल्दी पहुँच रही है, जिसकी वजह से हमें ट्रैफिक भी नहीं मिल रहा है। और यहाँ से बात करूँ डिस्टेंस की बद्रीनाथ की, तो 125 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया है, तो देखने वाली बात यह कि हमें ट्रैफिक मिलता है या नहीं मिलता। अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो 3-4 घंटे में पहुँच जाएंगे आराम से, बाकी देखते हैं कितना टाइम लगता है, ट्रैफिक मिलेगा तो भी आपको बताऊँगा मैं। साहब के लिए 69 किलोमीटर है, तो यहीं से आप देख सकते हैं रास्ते डिवाइड हो रहे हैं। ओके,
केदारनाथ यहाँ से 20 किलोमीटर है, इस तरह से यहाँ पे ट्रैक है। तो बाकी हम 17 किलोमीटर करीब क्या है गोविंद घाट जहाँ पे हमें उतरना है। जोशीमठ, और अगर आप जोशीमठ वाली बस से आते हैं तो बस आपको नहीं उतारेगी, और यहाँ से आपको इस तरह से जो शेयरिंग टैक्सी जा रही है इसी टैक्सी से होकर आगे जाना पड़ेगा, उसका चार्ज आपको 100 रुपये देना पड़ता है। बारह बज के 50 मिनट पर हमारी बस ने हमें छोड़ दिया है। जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं ये है गोविंद घाट, और हमारी बस जस्ट सामने खड़ी है, और हम अभी हम उतर गए हैं, और हमारी बस यहाँ पे जाते हुए बद्रीनाथ की तरफ हमें यहाँ से यहाँ पे ड्रॉप करके। सो, अभी घड़ी में 1 बज रहे हैं और मैं पहुँच चुका हूँ गोविंद घाट, और गोविंद घाट वही स्थान है जहाँ से आपकी यात्रा स्टार्ट होती है, और अभी यहाँ पहुँचने में मुझे हरिद्वार से यहाँ तक आने में 10 घंटे का टाइम लगा है। बस पूरी बस जर्नी होने वाली है जिसमें थोड़ा सा आप टायर्ड हो सकते हैं, और अगर आपको वोमिटिंग वगैरह आती है तो यहाँ तो आपको डेफिनेटली आने वाली है, क्योंकि राउंड बस चलती है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बाकी मेरा तो सफ़र काफ़ी अच्छा रहा और टाइम से भी पहुँचा, क्योंकि मेरी बस थी मॉर्निंग में 2:30 बजे करीब निकली थी, जिसकी वजह से मुझे ट्रैफिक कम मिला। और आपको एक अपडेट मैं और दे दूं कि जैसा कि आपने वीडियोस में और न्यूज़ में देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है रोड्स पे, तो बाकी भाई मुझे तो ऐसा देखने को कुछ भी नहीं मिला, नॉर्मल जैसा मैं पिछले साल आया था वैसा आया हूँ, रोड पर कोई भी ट्रैफिक नहीं है। बाकी यहाँ चलते नीचे गोविंद घाट में, और अभी वीडियो यहाँ ख़त्म नहीं हुई है भाई, अभी नीचे चलकर आपको बताऊँगा कि कहाँ पर आपको स्टे करना है, कहाँ पर क्या है, पूरी जानकारी आपको दूंगा। बाकी थोड़ा सा एक बार आपको मैं ओवरव्यू दिखा देता हूँ पूरे इस एरिया का, देख सकते हैं बस ने मुझे जस्ट यहाँ पर उतारा था भाई, और सामने देख रहे हैं ये है गोविंद घाट, सामने नदी बह रही है और उस साइड है पार्किंग, और जस्ट सामने देख रहे हैं वहाँ पे है बाबा का दरबार यानी गुरुद्वारा जहाँ पे अभी हम स्टे करने वाले हैं, और वो पुल देख रहे हैं भाई, वो पुल है जब हम नेक्स्ट डे यहीं से हम अब टैक्सी पकड़ के यात्रा करेंगे, ठीक है, तो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो पहले चले चलते हैं और आपको एक प्रोसेस बताते हैं कैसे रूम लेना है क्या लेना है, तो चलिए चलते हैं। और भाई देख सकते हैं लिखा हुआ आगे तीव्र ढलान है, बिल्कुल सीधी ढलान है भाई, अगर पैर हल्का सा खिसका और यहाँ पर रोड भी है तो बंदा गिर सकता है, तो चलते हैं। और बाकी ये देखिए कुछ इस तरह के यहाँ पूरी भाई बहुत ही खूबसूरत वादियाँ हैं, ये देखिए चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत। बाकी यहाँ पे भी खाने पीने की फैसिलिटीज़ है, तो आप चाहें तो गुरुद्वारे में खा सकते हैं और चाहें तो आप दुकान पर भी खा सकते हैं, यहाँ पे होटल की फैसिलिटी भी है, तो आप चाहें तो यहाँ पे पर्सनल होटल भी ले सकते हैं। जस्ट बगल में गुरुद्वारा है, इसके बाहर ही लोग इस तरह से अपनी बाइक्स पार्क कर देते हैं, तो आप चाहें तो अपनी बाइक की पार्किंग यहाँ भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप आगे जाके पार्किंग कर सकते हैं। ये देख रहे हैं ये है गुरुद्वारा, चले गए चलते अंदर, और आपको बताते हैं प्रोसेस की अगर आप यहाँ पाएंगे तो आप कहाँ पे स्टे कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या आईडी प्रूफ वगैरह लगेगा। और अभी आप ये देख रहे हैं ये है गोविंद घाट का गुरुद्वारा जहाँ पे हमें स्टे करने के लिए ऑप्शन मिलने वाला है, तो हम जैसे ही इसके अंदर जाएंगे तो इस तरह से सामने ही बिल्कुल रिसेप्शन काउंटर है जहाँ पे 1, 2, 3, 4 नंबर लिखे हुए हैं, तो आपको 4 नंबर पे अपना आधार कार्ड दिखाना है और आपको यहाँ पे रूम मिल जाएगा। मुझे स्लिप मिल गई है रूम की, और इस तरह से जैसे 2 मेंबर हैं नाम वगैरह लेके आधार कार्ड लेके आपको स्लिप मिल जाती है। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ वीडियो में कि किस तरह आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक रूम होने वाला है। सामने ये गुरुद्वारा है कि जस्ट सामने हॉल बना हुआ है बहुत बड़ा, उसमें आपको ये मिलने वाला है, चलिए आपको दिखाता हूँ अंदर से। 210 लिखा हुआ है भाई, ये देखिए ये 200 नंबर है और फर्स्ट फ्लोर पे ये
और इस तरह से देख सकते हैं डोमेट्रिक रूम है भाई जिसमें हम स्टे कर पाएंगे। और ये इस तरह से यहाँ पे हॉल है जहाँ पे हमें सोने के लिए इस तरह से बेड मिलते हैं और कंबल भी मिलता है, तो काफ़ी बड़ी फैसिलिटी है यहाँ सोने की। इस तरह से यहाँ पे लंगर की फैसिलिटी है, तो आप यहाँ पे आके प्रसाद भी चख सकते हैं। तो अभी मैं लंगर एरिया में आ गया हूँ जहाँ पे हमें खाने को मिलेगा, तो अभी आप देख सकते हैं बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद मिलता है, कढ़ी चावल रोटी इस तरह से है। बाकी अभी आप देख रहे हैं बाबा का दरबार कितना खूबसूरत सजा हुआ है फूलों से, और ये देखिए क्या सजावट करी गई है बेहतरीन। बाकी वो देख रहे हैं वो है गुरुद्वारा जहाँ पे हमने स्टे करा है, सामने मेरा रूम है वहाँ पे खिड़की पे, और जस्ट देख रहे हैं ये पुल है जहाँ से हमारी सुबह मॉर्निंग में मैं अपनी यात्रा स्टार्ट करूँगा, और यहीं से आपको टैक्सी मिल जाती है और टैक्सी से आप आगे जाते हैं। तो और बाकी नदी है कुछ इस तरह का, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है गोविंद घाट का, और ये वही पॉइंट है जहाँ पर आप अपनी पर्सनल व्हीकल लाते हैं तो कार वगैरह ही खड़ी कर सकते हैं, और बाइक वगैरह की भी पार्किंग यहीं पर ही है, और बाइक्स को तो आप आगे भी ले जा सकते हैं जो कि जहाँ तक आपकी टैक्सी चलती है वहाँ तक। बाकी गुरुद्वारे के जस्ट बगल में बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पे आपको बेसिक नीड की सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, जैसे कि देख पा रहे होंगे आप वीडियो में, आपको सारी बेसिक नीड की चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे, खाने पीने की और पहनने ओढ़ने की सारी बेसिक नीड की चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो ये कितनी घनी मार्केट है भाई, और जस्ट गुरुद्वारे के जस्ट बगल में आपको एटीएम की फैसिलिटी भी मिलती है, तो अगर आप इन केस कैश कम पड़ जाता है तो आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं सामने है रास्ता बाबा के दरबार में जाने का, और कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में भाई। गाइस फाइनली मैंने गोविंद घाट में स्टे कर लिया है और मैंने आपको पूरा दिखा दिया है, और अब आपके साथ थोड़ी छोटी समरी से शेयर कर लेता हूँ। और हरिद्वार से फिर आपको बस मिलेगी बद्रीनाथ के लिए जिसका किराया होने वाला है 600 से 650 करीब, वो बस आपको पहुँचाएगी 10 घंटे में। दिल्ली से हेमकुंड साहिब आने के लिए डायरेक्ट बस नहीं है, तो अगर आप दिल्ली या किसी भी दूसरे स्टेट से आ रहे हैं तो आप ऋषिकेश या हरिद्वार आ जाइए, वहां से आपको हेमकुंड साहिब जाने के लिए बस मिल जाएगी, और उसके बाद आप यहाँ पे आके अपना आधार कार्ड दिखा के आराम से स्टे कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका रहना खाना दोनों फ्री है। तो अगर आपके पास बजट कम है तो आप जब भी यहाँ पे आ सकते हैं, ओनली फॉर आपका अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो 1000 रुपये का खर्चा आने वाला है ओनली फॉर बस, तो भाई सोच किस रहे हो तो आ जाओ। तो भाई अगर आप प्लान कर रहे हो डेफिनेटली आइएगा, बहुत अच्छा लगेगा और जो बहुत सुकून मिलेगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, और अब आपके लिए जो इसके बाद अपकमिंग ब्लॉग होगा वो हेमकुंड साहिब यात्रा का होने वाला है, तो अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो कमेंट में वाहेगुरु जी लिखना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अपकमिंग नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।